हाँ भैया, देखिए आज हम स्वयं आप लोगों को आपकी बोर्ड परीक्षा में जो ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा वह हम कराने जा रहे हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो इस समय अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसको आप छोड़ना नहीं, आपका ग्रामर बिल्कुल 100% पूरा का पूरा सही होगा। और जब ग्रामर 100% सही होगा तो लेटर क्या लिखा है, एसे क्या लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई चेक नहीं करे, कारण लिखा होना चाहिए लेकिन, क्योंकि आप एग्जामिनर के दिल को क्या कर चुके, प्रभावित कर चुके। तो आज जो है अब आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसको आप रेगुलर देखना, ठीक है, और इसमें यानी सीधे विश्वास रहे और उसी में से आपका सेंटेंस बोर्ड परीक्षा में सब आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। इतना बता दिया, एक आख सेंटेंस भूले भटके भले बाहर से आ जाए लेकिन सारा का सारा जो है उसी में से आएगा। तो शुरू किया जाए, तो आज हम ये डायरेक्ट नाइट नजर उठा शुरू करें। आइए, आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। देखिए बेटा, इस पर चार काम आपको करना था, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, ये सामने पढ़ाया था। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर एक पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम पूछने की अंग्रेजी क्या होगी बेटा, आस्क्ड। सेट टू को किसने दे देंगे, आस्क्ड। नंबर दो कंजंक्शन, अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते बेटा, लेकिन इस वाक्य में वेदर न लगाना क्योंकि वाक्य इंट्रागेटिव नेगेटिव है। तो कंजंक्शन यहाँ पर क्या लगाओगे, इस पॉइंट पर कंजंक्शन यहाँ पर लगाओगे इफ, क्या लगाओगे इफ। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण कर दिया। अब यह पास्ट यह भी पास्ट, कैन का पास्ट यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कुड, क्या हो जाएगा कुड, कैन का पास्ट यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा कुड, और यू बदलेगा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे त्यां काटेगा ही, तो यू की जगह क्या होगा बेटा ही। नंबर वुड कुड नॉट डू दिस का क्या हो जाएगा बेटा दैट, क्योंकि यहाँ टेंस बदले हो तो दिस का क्या हो जाएगा दैट। पड़ोटा बन गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क, ये सही हो गया। इसी प्रकार से आपके बोर्ड पर छपा बेटा। अब आगे देखिए, द बॉयज सेड टू द टीचर कमेंट कमा प्लीज हेल्प अस। देखो यह इंपरेटिव सेंटेंस बताया होगा, प्लीज काइंडली मैडम सर या कोई सम्मानित शब्द मिले तो उसे पहले पहुंचा देना भैरव घाट, और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देना, तो रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा बेटा रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड। सेट टू जाना नंबर टू पर, यही ना लगाना छुटका टू, उचरा फुचरा गायब। अब पर्सन बदल बेटा, अस कौन सा पर्सन, फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बॉयज, बॉयज मतलब दे, देश काटोगे क्या काटे बेटा देम। पढ़ो बेटा बन गया, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम, कोई कठिन वाक्य आपका सही हो गया, नंबर मिलेगा। आगे लिखा बेटा, रामू सेट टू मी कमेंट कमा द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये तो आपको पता है यूनिवर्सल टू था, यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं, बस केवल सेट टू को किसमें लोग टोल्ड में, किसमें टोल्ड में, कंजंक्शन क्या लगा दो दैट, उचरा फुचरा गायब। पढ़ो बन गया, रामू टोल्ड में दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसमें कुछ करने नहीं था, यूनिवर्सल ना बेटा।
माई फ्रेंड सेड टू मी कमेंट कमांड डिड यू गो टू योर कॉलेज स्टडी क्वेश्चन मार्क गवर तो क्वेश्चन मार्क देखा नहीं नंबर एक पॉइंट सेट टू को बोलो किसे लोगे आस्क्ड में किसे बेटा आस्क्ड में दिखाई दे रहा है नहीं अगर सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाओगे यहां पर इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो क्या तो यहां इफ छोटा है वही लगा देते हैं कि वेदर लगा दें जो मन माए वो लगा देना दोनों सही है क्योंकि वाक्य शुद्ध इंटरगेटिव है अब इंटरवल में समोसा खाओ वाक को साधारण बनाओ तो साधारण बनाओगे दिल चला जाएगा किसमें गो में तो गो क्या हो जाएगा वेंट ठीक है तो यह बना पास्ट इंडेफिनिट क्या बना पास्ट इंडेफिनिट तो यह पास्ट यह भी पास्ट यह पास्ट है तो यहां पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है तो क्या हो जाएगा गो की जगह हैड गॉन क्या हो जाएगा हैड गॉन ठीक है अब यू यू कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है मी तो यू की जगह क्या हो गया बेटा मी यहां यू की जगह क्या हो गया आई अरे सब्जेक्ट आएगा ना आई हैड गॉन टू फिर पर्सन ला क्या योर खड़े कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट मी से लास्टिक चड्डी बनाओगे क्या बने बेटा माई बाकी आपका सही है स्टडी का क्या हो जाएगा बेटा द प्रीवियस डे पक्का अब पूरा वाक्य पढ़िए बेटा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई कॉलेज प्रीवियस डे इस प्रकार से पक्का बेटा इन्हीं में से आएगा इसके बाहर से नहीं आएगा अब देखिए बेटा द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू कामा योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी कितना सरल सा वाक्य बेटा बताया था बेटा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक और कांग्रेचुलेट ये दो वर्ब आती हैं तो ये सीधे रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बन जाएंगी तो सेट टू की जगह क्या लगा सकते हो बेटा थैंक्ड ठीक है द बॉय थैंक द प्रिंसिपल ना बेटा द बॉय थैंक द प्रिंसिपल हो गया अब सीधे सीधे अब ये साधारण वाक्य है ना बेटा साधारण वाक्य के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब सेट टू को किसमें लोगे एंड टोल्ड कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट यू बदलोगे प्रिंसिपल के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा हिज एडवाइस हिज योर की जगह क्या हो गया हिज एडवाइस विल का क्या हो जाएगा बेटा वुड विल का क्या हो जाएगा वुड सर्टनली गाइड मी बदलेगा बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा हिम ठीक है पढ़ो बेटा पूरा वाक्य बन गया द बॉय थैंक द प्रिंसिपल एंड टोल्ड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टनली गाइड हिम कोई कठिन है क्या अब देखो बेटा अगला वाक्य है द बॉय सेड टू हिज मदर कमांड कमा प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स देखो बेटा लड़का अपनी मम्मी से कह रहा है कृपा करके मुझे कुछ पेंसिल दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस है बताया होगा प्लीज काइंडली मैडम सर आ जाए सीधे पहले पहुंचा देना भैरव घाट और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसम का रिक्वेस्ट में तो बताइए रिक्वेस्ट होगा रिक्वेस्टेड होगा रिक्वेस्टेड होगा बेटा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर एक काम हो गया नंबर टू पर लगेगा छुटका टू अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई शब्द बचा नहीं बचा तो फिर पर्सन मी कौन सा पर्सन फर्स्ट किसके अनुसार बॉय के अनुसार क्या कटेगा बेटा हिम मी की जगह क्या हो जाएगा हिम बस पढ़ो बन गया द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स यही बन गया चले आगे अब देखो जरा द हर्मिट सेड कमेंट कमा मे यू ऑल गो टू हेल्प ये देखो बेटा यह तुम सभी भाड़ में जाओ इसका मतलब यह एक अभिशाप है बेटा क्या है अभिशाप अभिशाप ऑप्टेटिव सेंटेंस याद करो अभिशाप के लिए सेड को किस में बदलते बेटा कर्स्ड में एक काम हो गया अरे अभिशाप द हर्मिट कर्स्ड कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट यहां उचरा फुचरा गायब हो जाएगा
इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। साधारण क्या बनाओ बेटा? यू आल में, ये जो है मैं आएगा है यहां पर आल के बाद, ठीक है। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, मैं का पास्ट क्या होता है बेटा? माइट। क्या कर दोगे? माइट। अब यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके मतलब इसी स्थिति में हम इसे फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन बदल सकते हैं। तो वी आल कर, चूंकि बहुवचन में है बेटा, तुम सभी भाड़ में जाओ, तो बहुवचन में है तो या तो वी आल कहोगे या दे आल कहोगे, दोनों सही है। तो दे आल लगा देते हैं, दे आल माइट गो टू हेल, बन गया बेटा। ये देखो बेटा, यह साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के लिए सेड के को सेड ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट, दो काम हो गया। यह पास्ट, यह भी पास्ट। अब पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो सा की जगह क्या हो जाएगा बेटा? हैड सीन। क्या हो जाएगा? आई बदलोगे ही के अनुसार, क्या हो जाएगा? ही हैड सीन। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। दैट मैन लांगी को बन गया। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सिगरेट्स। यह डॉक्टर क्या करता? सलाह दे रहा है, सलाह दे रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सलाह देने के लिए क्या होता है? एडवाइज। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। एक काम हो गया, नंबर टू पर लगाओगे छोटका टू ना। अब देखो टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डू नॉट आ गया, तो डू नॉट का केवल नॉट टू के पहले लगा दो, नॉट टू ना बेटा। स्मोक सिगरेट्स पढ़ो, बन गया डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। ध्यान रहे बेटा, आज जो हमने पढ़ाया है इसमें से चार सेट में आपका डायरेक्ट नेट आएगा, इतना बता दिया। थैंक यू बेटा।